नमस्कार भैया गेहूं की बुआई का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है अब अधिकतर किसानों का सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न है जो हमारे पास लगातार क्वेरी जा रही है कि भैया अब की बार हम कौन सा गेहूं लगाएं जिससे बढ़िया उत्पादन निकल सके तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पांच से सात वो वेरायटियां बताऊंगा जिनके अंदर पोटेंशियल है भैया जिनके अंदर पोटेंशियल है ज्यादा से ज्यादा इल्ड देने की तो नमस्कार मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और दूसरे किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो सके सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है अगर आपको गेहूं का तगड़ा उत्पादन चाहिए तो बढ़िया वैरायटी के साथ आपको अगेती बुआई भी करनी पड़ेगी भैया और अगेती बुआई का टाइम है 25 अक्टूबर से लेकर पांच नवंबर ज्यादा से ज्यादा दस नवंबर इसके बाद आप जैसे जैसे एक एक दिन पीछे चलते जाओगे आपका उत्पादन डिक्रीज होता चला जाएगा पर डे के हिसाब से तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा जो इस टाइम पर हमारे देश में ट्रेंडिंग में जो वेराइटियां चल रही है दो तीन सालों से तो उनमें एक्चुअल में किस वेरायटी का बढ़िया उत्पादन है दूसरे जो सदाबहार वेराइटियां हैं भैया जो पिछले काफी वर्षों से अपन लगाते आ रहे हैं अपना जो पैमाना होगा भैया वो जैसे कि 100 एकड़ जमीन में वो वैरायटी लगाई गई तो वहां पे 70 एकड़ जमीन में 70 किसानों के खेतों के अंदर उस वैरायटी को उत्पादन किस तरह का रहा था उसके अंदर अधिकतम उत्पादन कितना निकला था वो हमारा पैमाना होगा ऐसा नहीं है कि कहीं पे छोटे एरिया का मैं 10-20 किलो बीज किसी यूनिवर्सिटी ने दे दिया या किसान ने कहीं से जुगाड़ लगा कि वो के वो बीज लेके आ गए और अपने खेतों में लगा लिया और उसका उत्पादन नापेंगे अपन वो पैमाना नहीं होगा पैमाना पूरे देश का होगा पूरा एक बड़ा लार्ज स्केल का होगा सबसे पहले अपन बात करते हैं जो टॉप ट्रेंडिंग वेराइटियां चल रही है जो पिछले सालों से दो तीन सालों में लगातार किसान इनकी तरफ भाग रहे हैं विशेषकर डीबीडब्ल्यू की कुछ वेरायटी देखिए दो साल पहले एक वेराइटी आई थी DBW, एक सतासी करण वंदना किसान तरफ बहुत तेजी से थे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया था तो मैं पिछले बार भी आप लोगों से बताया था भाई मैंने भी दो बार इस वेरायटी को अपने खेतों के अंदर लगाया था इसका जो औसत उत्पादन है वो दूसरी वेरायटी को तुलना में उतना ही निकला कोई एक्स्ट्रा उसके अंदर मेरे को नहीं लगा कि यार बहुत ही ज्यादा इसके अंदर इल्ड देने की क्षमता हो दूसरा इसके अंदर ये पौधा बहुत ज्यादा हाइट ले जाता है गिरने के अंदर भी ये पहले नंबर पर आई थी बाकी मेरे को इस वेरायटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं लगा था कि ये वेरायटी दूसरी वेरायटियों से अलग दिखती हो फिर उसके बाद डीबीडब्ल्यू की दो तीन और वेरायटी आई जैसे की डीबीडब्ल्यू तीन पिछले साल सबसे ज्यादा टॉप ट्रेंडिंग में थी किसान इसकी तरफ बहुत तेजी से भाग रहे थे वही भेड़ चाल चल रहे थे इसका उत्पादन ठीक ठाक निकला था इसको ना अपन कम बोल सकते हैं ना कोई ज्यादा बोल सकते हैं बाकी जो हमारे पास टोटल आंकड़े आए पूरे देश के पंजाब हरियाणा राजस्थान के कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश और भी कई जगह से किसानों से हमारी बातें हुई तो वो इस वैरायटी को मिला जुला बता रहे हैं कुछ किसान इस वैरायटी को बहुत अच्छा बता रहे हैं कुछ किसान इस वैरायटी को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे ये अब की बार भी ये ट्रेंडिंग के अंदर है बहुत ज्यादा किसानों की डिमांड है बाकी मिले जुले इसके जो रिजल्ट है वो देखने को मिले हैं हमारे खेतों की अगर बात की जाए तो एक औसत उत्पादन निकला था फिर बात करते हैं डीबी डब्ल्यू तीन सौ सत्ताईस अब डीबी डब्ल्यू तीन सौ सताइस जो वैरायटी है बहुत सी जगह पर किसान डीबी डब्ल्यू तीन सौ तीन से ज्यादा प्रायोरिटी पर रख रहे हैं वो बता रहे हैं कि डीबीडब्ल्यू तीन से कहीं ज्यादा उत्पादन तीन का है तो भैया चुनाव आपको करना है आप अपने एरिया में देखिए बात कीजिए जिन किसानों ने इन दोनों वेरायटियों को लगा रखा था बाकी रही बात इन दोनों वेरायटियों को नई वेरायटिया हैं इनके अंदर पोटेंशियल जरूर ज्यादा है लेकिन इसके अंदर कंडीशन अप्लाई आपको डेढ़ गुना ज्यादा खाद देने पड़ेंगे इसके अंदर दो स्प्रे करनी पड़ेगी पीजीआर की जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उनकी और साथ ही आपको फंजीसाइड के अंदर भी स्टैंडर्ड फंजीसाइड यूज करने पड़ेंगे तब आपको एक अधिकतम उत्पादन मिल सकता है अन्यथा आप वही एक औसत उत्पादन लोगो जो आप पहले से सदाबहार वेराइटियां लगाते आ रहे उनके बराबर ही फिर बात करते हैं भैया अब की बार जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर लोगों का फोकस है उत्तर भारत में विशेषकर हरियाणा पंजाब राजस्थान के एरिया में तो वो वैरायटी भाई डब्ल्यू एच बारह सत्तर अब डब्ल्यू एच बारह सत्तर की वही डिमांड है जो पिछले साल तीन सौ तीन की थी यूनिवर्सिटियां इस वैरायटी को थोड़ा थोड़ा किसानों को दे रही है इस वैरायटी के टोटल पूरे आंकड़े अभी टाइम लगेगा अब की बार जब किसान इस वैरायटी को लगाएंगे क्योंकि पिछले साल ये वैरायटी रिलीज की गई थी अब यूनिवर्सिटियों ने अपने स्तर इसकी बुआई की थी उसका औसत उत्पादन निकाला था लेकिन बात वही इसके अंदर भी वही यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कंडीशन अप्लाई कर रखी कि इसके अंदर भैया आपको डेढ़ गुणा है ये करना है वो करना है हर एक किसान ये काम नहीं कर सकता है बाकी भैया मेरे को लगता है कि इस वैरायटी की तरफ अभी आपको थोड़ा रुक के जाना चाहिए अब की बार इस वैरायटी के परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए अब बात करते हैं कुछ रिसर्च वेराइटियाँ जो प्राइवेट कंपनियों की उनके अंदर पहले नंबर पर कोई वैरायटी आती है तो भैया वो है श्री राम सुपर की रिसर्च तीन सौ तीन वेरायटी अब डीबीडब्ल्यू तीन सौ तीन भी थी एक श्री राम सुपर की तीन सौ तीन इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करें तो भैया श्री राम सुपर की जो रिसर्च तीन सौ तीन वेरायटी है उसका उत्पादन ज्यादा देखने को मिला है DBW तीन सौ तीन से तो भैया पहले नंबर पर अगर कोई प्राइवेट कंपनियों की वैरायटी है तो वो है श्री राम कंपनी की तीन सौ तीन फिर बात करते हैं भैया दूसरे तीसरे नंबर पर अब दूसरे तीसरे नंबर पर आती एक है पिछले साल जो मैंने अपने खेतों के अंदर लगाई थी अजीत तीन सौ उनचास वैरायटी भी बहुत ही शानदार है इसको भी आप बेहिचक लगा सकते हो अपने खेतों के अंदर इसके पूरे रिजल्ट मैंने लेके देखे पिछले साल उससे पहले हमारे अड़ोस पड़ोस में ये वैरायटी लगाई गई थी बहुत शानदार इसका उत्पादन निकला था पौधा गिरा भी नहीं था पौधे की हाइट ज्यादा नहीं थी मजबूत पौधा था इसको भी आप लगा सकते हो इसके अलावा फिर बात करते हैं श्री राम कंपनी की दो सौ जो पहले से अपन लगाते आ रहे हैं किसी टाइम पर इस वैरायटी ने धूम मचा रखी थी लेकिन पिछले अभी दो सालों से इस वैरायटी का जो उत्पादन थोड़ा डिक्रीज हुआ था कम हुआ था और एक प्राइवेट कंपनी की रिसर्च वैरायटी जो हमने लगा के देखी उसका भी बढ़िया उत्पादन है वो है भाई माइको कंपनी की गोल वैरायटी इसके भी शानदार रिजल्ट देखने को मिले अब बात कर लेते हैं भैया कुछ सदाबहार वेरायटियां अब सदाबहार वेरायटियों के अंदर जैसे कि एच डी पिछले काफी वर्षो से लगातार बढ़िया उत्पादन देती आ रही पिछले साल की भी अगर अपन बात करें तो पिछले साल भी इस वेरायटी ने बढ़िया उत्पादन दिया था भैया इसके अंदर कोई हाइप क्रिएट नहीं है इस वेरायटी के ऊपर आंख बंद कर विश्वास किया जा सके ता है इस वैरायटी की जो औसत उत्पादन है वो ऐसा नहीं किसी एक दो खेतों की बातें करें अपन सौ खेतों में सत्तर इस वेरायटी से तो भैया सदाबहार वेरायटी के अंदर पहले नंबर पर आज भी काबिज है तो वो है उनतीस सड़सठ दूसरे नंबर पर भैया बात करते हैं एच डी तीस छियासी अब एच डी तीस छियासी भी सदाबाह इसको भी आंख बंद कर किसान किसी भी खेत के अंदर लगा सकता है इसके भी औसत उत्पादन है बहुत शानदार मिले हैं पिछले साल भी उससे पहले के सालों में भी तीसरे नंबर पर जो सदाबहार वैरायटी भैया वो है एच डी अट्ठाईस इक्यावन इसका कोई शानी नहीं है इसको अगेते लगाओ मीडियम में लगाओ पछेते लगाओ जब आपका जी चाहे उस टाइम पर लगाओ बस इसके अंदर आपको एक फंजी का स्प्रे करना पड़ेगा एक करो या हो सकता है अगर मौसम किसी साल ज्यादा ओस आती तो उसमें दो भी करने पड़ जाए अगर ये कर लेते हो तो भैया एच डी अट्ठाईस इक्यावन से ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता मेरे को नहीं लगती किसी भी वेरायटी के अंदर होगी तो भाई ये तीन सदाबहार वेरायटिया होंगी है एच डी उनतीस सड़सठ एच डी तीस छियासी एच डी अट्ठाईस इक्यावन भाई ये कुछ बेस्ट वेरायटिया हैं इनको आप चूज करके अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो इनके जो रिजल्ट हैं वो हमने देखे हैं या फिर हमारे जो बिल्कुल टच में किसान थे उनके अनुभव हमने पूछे हैं और लगातार इन के ऊपर हमारी दो तीन सालों से नजर थी बाकी जो नई वेरायटियां आ रही है उनको भी आप लगा सकते हो उनको बाकी अपने छोटे एरिया में लगा के देखिए उनके पूरे जो रिजल्ट हैं वो अभी एक दो सालों के अंदर मिलने वाले हैं उनके पोटेंशियल का पता चलने वाला है तो अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए धन्यवाद